हेलो मेरा फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज हम बात करेंगे IQOO Z644W एंड जो रियलमी का 9 5G स्पेशन। इस दोनों फ़ोन में कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा आपके लिए? एक फ़ोन का जो IQOO का फ़ोन है उस फ़ोन का प्राइस है विदाउट अपर्चर के 15K एंड जो रियलमी का फ़ोन है जो 9 5G स्पेशन उस फ़ोन का प्राइस है ऑफ़र में 15K। क्या अभी आपको ऑफ़र में जब तक ऑफ़र आएगा तब तक क्या वेट करना चाहिए, या अभी आपके पास 15K फोन प्राइस है आपके पास तो आप क्या IQOO Z644W में जाना चाहिए आपको? ठीक है, इसी के बारे में आज का वीडियो होगा। सो वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देख लेना एंड जो भी भाई लोग चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि तुम्हारा भाई ऐसे ही हमेशा रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता है कौन से प्राइस के अंदर कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा। सो मेरा भाई लोग, जो IQOO का जो फ़ोन है ना, उस फ़ोन का जो सबसे अच्छा खास बात है जो डिस्प्ले है सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। जो रियलमी का फ़ोन है उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी नहीं है एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी नहीं है। सो और जो IQOO है उसका जो चार्जर है 44 वाट, सो 27 मिनट के अंदर आपका फ़ोन का आधा चार्ज कर देगा। एंड जो रियलमी का फ़ोन है उस फ़ोन का 30 वाट का चार्जर, सो आपका जो फ़ोन चार्ज लगभग 1 घंटा 10 या 15 मिनट में आपका फ़ोन फुल चार्ज कर देगा। सो चार्जिंग का मामला भी आपको IQOO अच्छा रहेगा। एंड जो प्रोसेसर है जो IQOO का स्नैपड्रैगन का 680 का प्रोसेसर है, हाँ। एंड जो रियलमी का 9 5G स्पीड एडिशन इसका प्रोसेसर आपको सभी लोगों का पता है स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर है। सो अगर आप प्रोसेसर देखना चाहते हो विदाउट लैगिंग, इसकी निगट कार के गेम खेलना चाहते हो, एंड अगर आप चाहते हो जो बहुत लोग चाहते हैं लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीम के लिए आपका फ़ोन अच्छा रहना चाहिए, प्रोसेसर अच्छा रहना चाहिए, सो आप रियलमी में जा सकते हो। अगर आपके पास प्राइस कम है 15K, उसके अंदर आप अच्छा सा फ़ोन ढूंढ रहे हो गेमिंग फ़ोन, सो आप IQOO में जा सकते हो। ठीक है, IQOO में जा सकते हो। IQOO का जो रैम है 4GB रैम मिलेगा आपको, 64GB रोम मिलेगा 15,000 के अंदर विदाउट अपर्चर के। एंड जो रियलमी का फ़ोन है वो ऑफ़र में आपको फ़ोन 19K तक आ जाएगा। ठीक है, और मेरा भाई लोग, मैं अभी सभी को मैं पोको फ़ोन लेने के लिए मैं बोल रहा था अभी मत लो, क्योंकि भाई देखो बहुत लोगों का ऐसे हो रहे फ़ोन ब्लास्ट हो रहे। अगर आप फ़ोन खरीद रहे हो मेहनत करके काम करके फ़ोन खरीद रहे हो, एक फ़ोन वो फ़ोन ब्लास्ट हो जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, दिल टूट जाएगा, बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आप अमीर तो हो नहीं। अगर अमीर होते तो ओनली 15K के अंदर फ़ोन नहीं लेते मेरे जैसा। तो जब भी फ़ोन लेना है बहुत सोच समझ के फ़ोन लेना है, तो इसलिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया। तो आप लोगों को फ़ायदा के लिए मैं हमेशा वीडियो लेकर आता हूँ। देखना, मैं जब फ्लिपकार्ट पर बहुत ज़्यादा ऑफ़र आते हैं तब मैं बिग सेविंग डे को लेकर आता हूँ। Under 10K में कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा, Under 15K में कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा, Under 20K में कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा। सो सभी का वीडियो मैं लेकर आता रहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं सब कुछ करता हूँ। सो आप लोग भी अगर चैनल पे नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि यही तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो वीडियो को लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। एंड और भी भाई लोग मेरा इंस्टा पे क्वेश्चन कर रहा था भाई, क्या पोको में ब्लास्ट हो रहे हैं, क्या रेडमी लेना चाहिए? मैं यही बोलूँगा, रेडमी तो ब्लास्ट नहीं होता, रेडमी का ऐसे बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन रेडमी का ही सब ब्रांड पोको है। और जो रेडमी का जो नेटवर्क जो इशू है ना, रेडमी का नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है। रेडमी फ़ोन का हर एक रेडमी फ़ोन का नेटवर्क अच्छा नहीं होता। जिधर आपका फ़ोन में फोर तक टावर रहेगा, जो दूसरा फ़ोन में जो रेडमी का फ़ोन में अगर 4 रहेगा तो दूसरा फ़ोन में 5 टावर रहेगा। सो इसलिए मैं बोलता हूँ रेडमी का जो फ़ोन है वो नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा करता है और फ़ोन का हीटिंग इशू भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं रेडमी का फ़ोन रिकमेंड नहीं करता। रेडमी का फ़ोन का वीडियो मैं बहुत कम छोड़ता हूँ, क्योंकि देखो मैं वीडियो छोड़ रहा हूँ रेडमी के बारे में, पोको का बारे में, रियलमी के बारे में, IQOO के बारे में, वन प्लस के बारे में बता रहा हूँ। ये जो सब ब्रांड है ना, ये जो फ़ोन है वो तो फ़ोन कंपनी मेरे को कुछ दे नहीं रहा, तो मैं क्यों वीडियो डाल रहा हूँ? सो मैं तुम लोगों के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। सो मैं यही चाहता हूँ आप लोगों के लिए कौन सा फ़ोन अच्छा रहेगा, कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए, सो इसके लिए मैं वीडियो हमेशा वीडियो बनाता हूँ। मैं यही बोलूँगा भाई लोग, फ़ोन लेने से पहले बहुत सोच समझ के फ़ोन लेना, क्योंकि एक बार ऑर्डर हो जाए तो कोई बात नहीं, कैंसिल भी कर सकते हो, एक बार आप ले लो तो और कुछ नहीं कर सकते हो। एंड भाई लोग, अगर जो बंदे चाहते हो वेट
अगर हाँ मैं वो थोड़ा वेट करके लूँगा, तो थोड़ा अगर थोड़ा वेट ही करोगे तो पुराना वाला फ़ोन मत लो, नया नया फ़ोन लॉन्च होगा उससे लो। सो नया नया फ़ोन लॉन्च होगा उसमें से आपको मैं सबसे अच्छा बोलूँगा रियलमी का फ़ोन होता है, क्योंकि रियलमी का फ़ोन में लैगिंग एंड हीटिंग इशू बहुत ही ज़्यादा कम रहता है एंड नेटवर्क बहुत ही अच्छा रहता है। वाईफाई का जो रेंज रियलमी का बहुत ही अच्छा रहता है, मैं वही बोलूँगा। पोको, मैंने पर्सनली पोको M3 बहुत ज़्यादा यूज़ किया। जो भी भाई लोग पोको M3 यूज़ करते हो और वाईफाई में गेम खेलते हो, मैं यही बोलूँगा उन लोगों को, पूछ लेना, जो वाईफाई का रेंज बहुत बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जिधर हम लोग गेम खेलते हैं वाईफाई का जो 4 या 3 तक टावर रहता है, ऐसे ही जो पोको M3 फोन में टावर ही नहीं रहता, मेरे बहुत पास जाके गेम खेलना पड़ता है, रेंज बहुत कम होता है, पोको का रेंज बहुत ही कम है। सो मैं इसलिए भी बोलता हूँ, अगर आप लेना चाहते हो तो रियलमी में जा सकते हो, IQ में जा सकते हो, वन प्लस में जा सकते हो, ठीक है, वीवो में जा सकते हो, अच्छा अच्छा ब्रांड है उसमें जा सकते हो आप, विदाउट लैगिंग आप लोग गेम खेल सकते हो, ठीक है। मैंने पिछले भी एक वीडियो बना था Under 10K में आपको कौन सा फ़ोन अच्छा रहेगा, मैं हर एक ब्रांड का, जो मोटरोला का, इन्फिनिक्स का, रियलमी का, रेडमी का, पोको का, सभी ब्रांड का फ़ोन का बनाया बताया। सो अगर आप लेना चाहते हो तो, वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, उसमें भी जाके देख सकते हो। Under 20K, Under 50K में बहुत ज़्यादा फ़ोन है, मैंने वो भी वीडियो बनाया, आप लोग जरूर देख लेना, मेरा चैनल पे है। सो मेरा भाई लोग यही बोलूँगा, मैं तुम लोगों के लिए हमेशा मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा हेल्प हो जाए। सो मेरे को भी हेल्प कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक।